हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है वेंसडे नाशु ब्लॉग्स में और मैं हूँ वंदना। तो आज है सोमवार और अभी मैंने नहावा लिया है, नहावा के पूजा भी कर लिया, पूजा वगैरह मेरी सब कंप्लीट हो गई है और आज सोमवार है तो आज तो मेरा व्रत है ही। तो सुबह मैं उठी थी आज और फिर सुबह उठ के फटाफट फटाफट घर का सारा काम, झाड़ू पोछा क्लीनिंग जल्दी जल्दी से किया, क्योंकि थोड़ी सफाई भी अच्छे से करनी पड़ती है ना जब व्रत रहता है। तो सफाई वे करने के बाद नहाया, उसके बाद फटाफट पूजा, मैंने पूजा कर लिया आराम से और अब मैं चलती हूँ अपने हस्बैंड का खाना बनाने के लिए। और उससे पहले यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध गरम करने के लिए और दूध गरम हो रहा है तो तब तक मैं लगा लेती हूँ कपड़े, क्योंकि कल संडे था ना तो संडे को मैंने कोई कपड़े लगाए नहीं थे और तो आज ना बहुत सारे कपड़े हो गए, तो हो सकता है कि आज मुझे ना दो बार जो है ना मशीन लगानी पड़े। तो चलिए लगाती हूँ सबसे पहले कपड़े वॉश करने के लिए और धूप भी बहुत तेज निकली है। तो अभी ये जो कपड़े हैं ना जो हमने नहाए हैं तो वही कपड़े मैं लगा रही हूँ और जो बेडशीट वगैरह हैं उसको मैं बाद में लगाऊंगी या फिर मैं कल लगा दूंगी, क्योंकि धुलने के तो कपड़े धुल जाएंगे लेकिन बात वही हो जाती है ना कि फैलाने की जो जगह है ना वो नहीं बचती है फिर। और आजकल क्या होता है, बाहर गेट पर जैसे डालो फिर बारिश कब आ जाती है ना कुछ पता नहीं चलता है, इसीलिए मैंने सोचा कि बेडशीट को ना कल लगा दूंगी। बाकी जो कपड़े हैं उनको तो धोना ज़रूरी है तो उनको मैंने लगा दिया है। तो कपड़े लगाने के बाद इधर मैं आ गई हूँ डायरेक्ट किचन में। तो सबसे पहले जो बर्तन वगैरह मैंने आज सुबह ही धोए थे ना तो सब सूखने के लिए रखा हुआ था तो बस उनकी जगह पे उनको मैं लगा दूंगी। और मेरे जो कैबिनेट बने हैं ना तो इसमें बर्तन रखने का कुछ रैक उस तरह से नहीं बना हुआ है, तो बाकी मैं सब में ना डब्बे वगैरह ही रखे हुए हैं। तो जो जितने बर्तन है ना, जो बर्तनदानी है ना, मैं उसी में सारे बर्तन है ना उसमें रखती हूँ। थोड़ी दिक्कत तो होती है कभी कभी, क्या होता है ना बर्तन नीचे चले जाते हैं ना तो मिलता नहीं है, खटखटर पटर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए मैंने इधर चढ़ा दी है दाल बनने के लिए और अरहर की दाल मैंने चढ़ाई है तो दाल उधर रख दी है मैंने और एक साइड पे जो दूध है ना वो भी गर्म हो रहा है। तो सबसे पहले ना मैं खाना ही अपने हस्बैंड का बना दूंगी, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि पूजा वगैरह करो ना तो थोड़ा सा जो टाइम है ना वो लग जाता है और जिस दिन व्रत रहता है उस दिन सफाई भी थोड़ी ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ती है। तो फिर इसीलिए खाना थोड़ा सा लेट हो गया, तो उनको मैं खाना बना के दे दूँगी, फिर उसके बाद से जो चाय है ना तब मैं अपनी चाय है ना वो मैं बनाऊँगी। फिर आराम से चाय पियो ना तभी सही लगता है, हबड़ तबड़ में चाय पीने का ना बिल्कुल भी मन ही नहीं करता, मतलब चाय का स्वाद ही नहीं पता चलता है। तो मैंने उधर दाल चढ़ा दी है तो सब्जी मैंने काट ली, तो जो दूध है ना उसको मैं बीच वाली गैस पे रख दूंगी गरम करने के लिए। अभी दूध गरम हो अभी हुआ नहीं है और मैं दूध को ना हमेशा स्लो आंच पे ही दूध गरम करती हूँ। अगर कभी भी तेज़ आंच पे गरम करो ना दूध हमेशा गिरता ही गिरता है, ये तो हमेशा होता ही है, इसीलिए मैं ना स्लो आँच पर ही दूध को ना गरम करती हूँ। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सब सब्जी में तड़का, तो मैंने तेल में मैंने जीरा डाला, हींग और तीन हरी मिर्च है ना, ये दो या तीन हरी मिर्च थी वो मैंने काट के डाल दिया और उसके बाद से ये मैं डाल दूंगी अपना जो लौकी काटी थी वो। आज मंडे है ना तो मेरा जिस दिन मंडे को व्रत रहता है ना तो मेरे हस्बैंड भी उस दिन लहसुन प्याज वगैरह ना वो नहीं खाते हैं, तो इसीलिए मैंने सब्जी में लहसुन का तड़का ना नहीं लगाया। नहीं तो नॉर्मली जब मैं इस तरह से लौकी की भुजिया सब्जी बनाती हूँ ना तो उसमें लहसुन का तड़का भी लगाती हूँ। तो चलिए अब मैं यहाँ पे चढ़ा लेती हूँ चाय, उधर मैंने दाल बन चुकी है, सब्जी रखी है बनने के लिए। तो अभी तो हस्बैंड का भी मन है चाय पीने के लिए, पहले मुझे लगा कि वो खाना खा के चले जाएंगे लेकिन उनका कोई कॉल आ गया तो उनको थोड़ी देर में जाना है, तो उन्होंने बोला कि चलो पहले चाय बना लो, तो बस चाय भी यहाँ पर बन गई है और मैं मेरे हस्बैंड अब आराम से थोड़ी देर बैठ के चाय पियेंगे। और सुबह के टाइम से क्या होता है ना इतना काम रहता है ना भगदड़ भगदड़ में, तो जब आराम से जब एक कप चाय की मिलती है ना तब बड़ा सुकून मिलता है, लगता कि सारी थकान है ना वो दूर हो गई है। और यहाँ पे मैंने चाय में डाल दिया है गुड़, तो हम लोग मतलब गुड़ वाली ही चाय पीते हैं, चीनी तो मैं लेती ही नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड कभी कभार मतलब महीने में शायद दो से तीन बार कभी कभार ले लेते हैं, नहीं तो फिर वो भी चीनी नहीं लेते हैं।
और यहाँ पे बैठी थी बेड पे, तो उनको मैंने चाय दे दिया है और फिर उन्होंने बिस्किट मांगा पार्ले जी, तो उनको पार्ले जी बहुत पसंद है। मुझे लगता है पार्ले जी बिस्किट एक ऐसा बिस्किट है ना कि जो सबको बहुत पसंद आता है। तो देखिए चाय पीने के बाद से वापस से मैं आ गई हूँ किचन में, और तब तक मेरी जो लौकी की सब्जी है ना ये भी बन के तैयार हो गई थी। और यहाँ पे मैं फटाफट गूंथ लेती हूँ आटा, तो आटा भी मुझे ज़्यादा ही गूंथना पड़ता है, आप लोगों को पता ही है क्यों, तो फट गूंथ लेते हैं आटा यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने आटा गूंथ लिया था और मैं बनाने लग गई थी रोटी, तो रोटी बनाते बनाते ना मुझे इतनी तेज़ की प्यास लगी थी ना, तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला ना कि आप मुझे ना बोतल में पानी भर के दे दो, क्योंकि मेरे हाथ में आटा आटा लगा हुआ है, तो फिर मुझे हाथ धोना पड़ता, फिर पानी भरना पड़ता, फिर जाके मैं पी पाती। तो हस्बैंड को मैंने बुला लिया था, उन्होंने फिर मुझे पानी भर के दे दिया, तो यहाँ से पानी पी लिया मैंने, क्योंकि आजकल काम करते करते ना बहुत पसीना होता है, प्यास भी ना बहुत ज़्यादा लगती है। तो चलिए यहाँ पे अब बना लेती हूँ रोटी, और मुझे रोटी बनाने में लग जाएगा आधे घंटे से ऊपर का टाइम। और मैंने ना जब से इस तरह से तवे पे रोटी सेकना स्टार्ट कर दिया है ना, तब से मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि उनको रोटी ना खाने में ज़्यादा स्वाद लग रही है। चलो जल्दी, तो अभी मैं जा रही हूँ प्लांट प्लांट लेने के लिए। वो जो लक्ष्मण बूटी होता है ना, वो बहुत दिन से हस्बैंड से मंगा रही थी लेकिन लेके नहीं आ रहे थे, अभी भी जा रहे, कह रहे कि नहीं लाऊंगा, तो मैंने कहा नहीं अभी मैं साथ चलती हूँ, ये पास में ही है, तो मैंने बोला साथ चलती हूँ और फटाफट मैं दिला दो, फिर मैं अपना खाली टाइम पर अपना लगा दूँगी। नहीं तो यही सीजन है, वो फूल नहीं इसी टाइम पर अच्छा लगता है। आओ चलो जल्दी, धूप बहुत तेज़ हो रही है, अभी गाड़ी भी है ना, अभी फिर बाद में गाड़ी भी नहीं रहेगी, तो और अभी कुछ गमले भी खा लिए थे, तो सोच रही हूँ ना कि गमले खा लिए तो लगा दो। और ये देखो ये मेरे प्यारे प्यारे फूल, दो फूल खिले इसमें गुलाब, कितना तो प्यारा लग रहा है ना, फूल उल घर में लगे रहते तो ऐसे ही कितना अच्छा लगता है। तो चलते हैं, लेके आती हूँ मैं प्लांट्स। बहुत धूप है बाबा, बहुत ज़्यादा धूप है। हम लोग आ गए हैं नर्सरी में, घर के एकदम पास ही था, बस 3 मिनट लगा होगा पहुंचने में। और ये मेरे हस्बैंड, हस्बैंड हस्बैंड इज माय हस्बैंड। बंद है? अरे अरे यार तो बंद है, अरे यार नहीं यार कोई तो होगा। ये देखो भैया हम इतनी मेहनत से यहाँ पे आए और यहाँ पे ही बंद है, अब क्या करें यार, लगता है आज की मेहनत हमारी ख़राब हो गई, इतनी जल्दी से आए थे भाग भाग के और यहाँ पे बंद है। वहाँ पे शायद कोई बैठा होगा, उनसे पूछ लेते हैं। तो जो नर्सरी थी ना वो बंद थी, तो हमने वहाँ पे देखा कोई बैठा, तो उनसे पूछा, तो ये मतलब ये जिसकी नर्सरी है ना उसकी छोटे भाई हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है प्लांट ले लेते हैं। तो मुझे जो लक्ष्मण बूटी है ना वो तो नहीं मिला, तो मैं बाकी ना दूसरा जो प्लांट है ना वो मैं लेकर आई हूँ। और मैं प्लांट लेकर आ गई हूँ, तो मुझे हस्बैंड ने गेट पे ही छोड़ दिया, उसके बाद से वो अपना काम पे चले गए हैं। और मैं जैसे खाना बना के मैं चली गई थी ना, तो हस्बैंड ने बस खाना खा लिया था, तो पूरा घर मेरा भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। मतलब मैंने सुबह झाड़ू पोछा वगैरह क्लीनिंग वो सब तो मैंने जो बेसिक डेली का होता है वो तो मैंने कर दिया था, लेकिन मैंने डाइनिंग टेबल वगैरह ना क्लीन नहीं किया था। आप देख सकते हो पूरा डाइनिंग टेबल मेरा भरा पड़ा है, कौन कौन सा सामान नहीं है जो यहाँ पर नहीं रखा है, मतलब कुछ भी सामान चाहिए ना तो ये डाइनिंग टेबल पे ही मिल जाता है, क्योंकि हम लोग सारा सामान ना मेरी भी आदत हो गई यहीं पर रखने की। मैं सोचती हूँ कि आज नहीं रखूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों इसी पर रखा जाता है। फिर डेली सुबह का वही होता है कि फिर उसको खाली करो, क्लीन करो, डस्टिंग करो, डेली का यही होता है। और यहाँ पे मेरे पास ना कुछ डब्बे थे ना जो कि खाली थे, काफ़ी दिनों से ऐसे रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी धो के ना, अभी धूप अच्छी निकली है तो बाहर धूप में डाल दूंगी तो ये सूख जाएंगे, तो कुछ ना कुछ रखने के ना काम आ जाएगा। और कुछ चीज़ें हैं जो कि ना मेरी पन्नी में ऐसी बांधी हुई रखी हुई है, तो ये डब्बे धो दूंगी ना तो सूख जाएगा, तो इसी में रख सकती हूँ, क्योंकि पन्नी में सामान रखा रहता है ना, एक तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और जब
जब सामान ढूंढो ना तो पॉलीथीन का जो सामान रहता है वो दिखता भी नहीं है, और डब्बे में रखा रहता है तो सामने से ही दिख जाता है। और आज मेरा व्रत तो है, लेकिन वही होता है ना कि मतलब जब जिस दिन व्रत रहता है ना उस दिन और 50 काम दिख जाते हैं कि ये काम कर दो वो काम कर दो। और यहाँ पे देखिए जो अचार का डब्बा है ना, तो इन सब अचार है तो इसको भी मैं डब्बा खोल के ढक्कन इसको भी मैंने यहाँ पे धूप में रख देती हूँ, क्योंकि धूप ना बहुत तेज़ निकली है तो इसलिए मैंने धूप में रख दिया ताकि जो अचार है ना वो ख़राब ना हो। और यहाँ पे जो कपड़े थे ना वो तो सुबह ही लगा दिए थे तो, लेकिन मैं फैला नहीं पाई थी तो फटाफट जो है ना इनको भी फैला देती हूँ। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि व्रत तो है लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं जितनी जल्दी हो सके ना फटाफट घर के जितने भी काम है ना निपटा लूँ, क्योंकि देखो भाई काम तो मुझे ही करना है, काम तो कोई और करने आएगा नहीं। अगर मैं आलस करूँगी तो फिर मेरा काम तो वही रहेगा और बल्कि बढ़ जाएगा, इसीलिए मैंने आलस नहीं किया। फटाफट जो है ना वो अपना फटाफट जो घर का काम है ना वो मैं निपटा रही हूँ। एक बार सारा काम निपटा लूँ ना उसके बाद ही जाके ना मुझे चैन की सांस मिलेगी, तभी जाके ना मैं फुर्सत से जो है ना बैठ भी पाऊँगी। तो कपड़े फैलाने के बाद से इधर एक बार मैं सोच रही हूँ थोड़ा झाड़ू भी लगा देती हूँ, नहीं तो सुबह खाना वाना बनाओ ना तो थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है, झाड़ू लगा दो थोड़ा घर ना साफ रहता है। और व्रत भी है तो व्रत में थोड़ी सफाई वगैरह रहे तो ठीक ही रहता है, नहीं तो गंदा घर ना अच्छा नहीं लगता। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैं झाड़ू उड़ू लगा के मैं अंदर चली गई कमरे में, मैंने चला दी एसी, मैंने कहा चलो 5-10 मिनट थोड़ा सा कमर सीधी कर लूँ लेट लूँ। तब तक मैं आई थी कुछ पानी लेने के लिए, कुछ लेने के लिए किचन में देखी तो बाहर बारिश हो रही है और मेरे अचार के डब्बे सब बाहर ऐसे खुले पड़े थे, वो भी ढक्कन आपने देखा मैंने ढक्कन भी उसका हटाया हुआ था, मेरी तो सांस अटक गई। मैंने कहा भैया सुखाने के लिए गई थी कि अचार में ठीक हो जाए, ऊपर से बारिश मतलब मुझे लग रहा 3-4 बूंदी तो बारिश की इसमें चली गई होंगी, फिर अब क्या कर सकती हूँ। तो मैं वापस आई ढक के इसको लगा दिया मैंने, तो बाप रे आज तो मेरा ऐसे ही हो गया, मैंने कहा क्या करने चली थी और ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर उसके बाद से जब बारिश का मौसम था, अच्छा पता है बारिश आई नहीं, मतलब बस थोड़ा सा बस कुछ ही बूंदे गिरी, बस ये था कि जानबूझ के मेरे अचार को ख़राब करने के लिए ऐसा लग रहा था कि बारिश हुई है, तो 3-4 बूंदे तो बारिश की गिर चुकी है अचार में, बस मुझे डर लग रहा मेरा अचार है ना वो ख़राब ना हो। तो उसके बाद से मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया था, मतलब धूप तो चली गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो जो मैं प्लांट लेकर आई हूँ, ज़्यादा नहीं लाई हूँ बस 2 प्लांट लेकर आई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ गमले खाली पड़े हैं तो इसी में मैं लगा देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जब मैं प्लांट लगाऊँ ना तो पहले सारी मिट्टी गमले की खाली कर लूँ, उसके बाद वापस वही मिट्टी भर के फिर मैं लगाऊँ प्लांट। तो एक तो ये वाला मैं स्नेक प्लांट लेके आई हूँ, ये मुझे मेरे हस्बैंड को हम दोनों को ये वाला प्लांट बहुत पसंद है, तो अभी तो इसको हम बाहर ही रखेंगे, जब भी थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा ना फिर हम इसको अंदर रख देंगे, क्योंकि इंडोर प्लांट है और ये ना इंडोर के लिए बहुत अच्छा होता है, ऑक्सीजन वगैरह आता है इससे तो ये बहुत अच्छा होता है। तो बस इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और ये जो साइड साइड में गोल्डन वाली लाइनिंग वाला जो प्लांट है ये वाला ना, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और एक लाए थे हम लोग पाम ट्री का पौधा एक ये वाला, तो पाम ट्री मेरे पास एक थी, एक था पहले से जो उस दरवाजे के उस साइड पर रखा हुआ, तो मैंने सोचा कि एक और लाती हूँ तो दरवाजे के दोनों साइड पर रख दूंगी। और पाम ट्री ना घना घना देखने में हरा हरा सा भी बहुत ही अच्छा सा लगता है, तो मैंने ना 3-4 गमले और खाली हैं, तो उसमें मुझे एक्चुअली लगाना था लक्ष्मण बूटी, तो अभी यहाँ तो मिला नहीं। अब देखो हस्बैंड कह रहे थे ना एक दूसरी जगह जाएंगे ना वहाँ से लेकर आएंगे, आजकल सीजन भी है ना लक्ष्मण बूटी का। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड पे ना दरवाजे के पाम ट्री है ना वो मैंने लगा दिया है, अब बस इसमें मैं डाल दूंगी पानी, और भी कुछ गमले हैं जो कि सूख गए, पानी सूख गया था तो उसमें भी डाल दूंगी पानी। अब मुझे ना प्लांट लगाना उनमें पानी डालना उनका टेक केयर करना ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है ना खूब हरा भरा सा होना तो एक बहुत अच्छी सी ना पॉजिटिव एनर्जी आती है, मन खुश हो जाता है घर देख के। किराए का घर है लेकिन फिर भी मैं अपने घर को ना मतलब जितना हो सकता है मैं सजा के ही रखना चाहती हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, वीडियो पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में यानी कि कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।